हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। मेरा छोटा सा दो प्रश्न है, चैंटिंग करते वक्त कृष्णा बोलना चाहिए या कृष्ण? कोई फर्क नहीं पड़ता, शास्त्र कहते हैं कि राम या कृष्ण, ऐसे हराम राम का फल मिल जाएगा। इनमें किसी शब्द में भी ये दोनों आ गए तो शब्द के अंदर उसका फल, तो इसलिए कृष्णा और कृष्ण से कोई, अगर कोई कृष्ण बोल सकता है तो वो कृष्ण बोले क्या? अगर कृष्णा भी बोलता है तो कई बार बोलते द्रौपदी जी आए, बोले तू बोल के तो देख कृष्णा आ जाएंगे, क्योंकि भाव से आते हैं कृष्णा, लैंग्वेज से नहीं आया करते हैं जी। कृष्ण बच्चे को अगर आप उलू 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 करो तो वो भी खुश हो जाता है। आज हमारा हरियांश है, वो अपनी दादी को भी थप्पड़ लगा देता है तो उसको बुरा लगता है क्या? नहीं लगता। तो ये जो मूर्ख लोग हैं ये शब्दों में जाल में फंसाते हैं, और हम कहते हैं भाव के चलता है। क्या चलता है? भाव चलता है। अगर यही बोल रहा कृष्ण कृष्ण, अगर भाव है तो कृष्ण भगवान भागे चले आएंगे, परंतु अगर आप एकदम संस्कृत के पंडित से कृष्णा कृष्ण नहीं आएंगे, तो पता नहीं कौन बकवास कर रहा है। अरे ये भाव की दुनिया है, ज्ञान की दुनिया नहीं है। ज्ञान पीछे रह जाता है भाव के सामने, ज्ञान तो हाथ जोड़ के खड़ा रहता है कि मेरे में भी कृष्ण भक्ति का भाव आ जाए। ये खेल प्रेम का है, इसलिए इसमें टेंशन मत करिए। कई बार डिवोटी राम करते हैं, आपकी जानकारी के लिए रशिया के अंदर क नाम का शब्द नहीं है, रशियन लैंग्वेज में ख है, कृष्ण खराम, परंतु अच्छे डिवोटी बन गए वो, नहीं है तो नहीं है, क्या करें? र शब्द नहीं है, खराम 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 करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव उसका मतलब एक गूंगा भगवान से प्रेम नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, भाव से बुलाए, क्या करें? तो कृष्ण दौड़े चले आएंगे, कहां जाएंगे? उनको ज्ञान नहीं बांध सकता, उनको सिर्फ, जब ही भगवान ने अंत में कह भी दिया मन मना भव मद भक्तो, भावना लगा मेरा भक्त बन, भक्त का मतलब ही होता है प्रेम मई सेवा। दूसरा प्रश्न, आपने बहुत सा लेक्चर में बोले हैं कि जो फुल टाइम ज्वाइन किया है उसके लिए सिर्फ 16 माला है, और जो फुल टाइम ज्वाइन नहीं कर सकता है क्या वो 16 माला जपने का अधिकार नहीं है, या फिर उसको 64 माला तो कर ही नहीं पाएगा? देखिए प्रभुपाद ने 16 माला 64 माला को 16 क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया कि बाकी समय आप कृष्ण की सेवा करो, अर्थात प्रचार कार्य के अंदर सहायता करो, क्योंकि अगर वो 64 माला करते तो 8-9 घंटे निकल जाते, जिसके कारण की जो वो चाह रहे थे कि गौरांग महाप्रभु का नाम नगर आदि ग्राम, हर नगर और ग्राम में पहुंच जाए, वो नहीं पहुंच पाता, भगवान का संदेश नहीं पहुंच पाता। इसलिए प्रभुपाद जैसे हो आचार्य को, सिर्फ ऐसे ही आचार्य जो आते हैं सीधा गोलक से, इनको अधिकार होता है कि थोड़ा हेर फेर कर दें, हम जैसे को नहीं है। तो बाहर आप लोग क्या करते हो बताइए? दिन भर लगे रहते हो काम करने, हैं जी, दुकान खोलेंगे 8 से नहीं 12-14 घंटे, जैसे ज्यादा पैसे आ जाएंगे उससे, जितना कर्मों में उतना ही आएगा, परंतु प्रभुपाद ने कह रखा है क्योंकि सेवा करते नहीं हो, तो आप 16 करिए परंतु साथ में सेवा में भी जुड़िए। जो मैंने जैसे कल कहा था आपसे कि आप, मैं 4 घंटे दूंगा हफ्ते में सेवा पे, मैं 5 घंटे दूंगा, तो इस तरीके से, तो उससे क्या होगा, आप जो चांटिंग करते हो उसका फल, आप क्या चाह रहे हो चांटिंग में? सेवा दो सेवा दो सेवा, 64 करने के बाद भी सेवा नहीं करते, जबकि भाव क्या है कि भगवान मुझे सेवा दे। तो 16 करिए
और सेवा भी करिए साथ में, तो ये पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण। सेवा का थोड़ा सा डिटेल्स, थोड़ा सेवा का मतलब आज्ञा का पालन, अर्थात प्रचार कार्य में सहयोग, फिजिकली भी, मॉनिटरली भी, मेंटली भी, तन मन और धन। तन का मतलब कुछ समय दोगे, लोगों से बोलोगे जाके, किताब दोगे, ठीक है ना गुरु जी?